हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 2 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे। देखिए, हमारे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आते हैं और सारी सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी की सारी बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स जितनी भी आपकी, सबके लिए टेस्ट उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए पहले आर्टिकल से। अ बिग बैड डील काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बुरी है। बुरी है हमारे लिए, अफगानिस्तान के लिए, एशिया के लिए, और अच्छी है यूएसए के लिए और तालिबान के लिए। डील ये हुई यूएसए और तालिबान के बीच में सैटरडे में। इसमें ये डिसाइड हुआ कि यूएसए धीरे 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 करके अपने सारे ट्रूप्स 14 महीने के अंदर अंदर बाहर निकाल लेगा। लॉन्गेस्ट वार था ये हिस्ट्री का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। इट वेंट इनटू अफगानिस्तान इन अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री ली, अपने ट्रुप्स को भेजा लड़ने के लिए तालिबान से, क्योंकि 9/11 टेरर अटैक्स हुए थे तो उसका बदला लेना था। गोल ये था कि टेररिस्ट को डिफीट करेंगे, सेंट्रल एशियन जो एक कंट्री है अफगानिस्तान, इसको स्टेबलाइज करेंगे, स्थिरता लाएंगे, रिबिल्ड करेंगे, इसको दोबारा विकसित करेंगे, दोबारा इसको बनाएंगे। 19 साल हो गए ऑलमोस्ट यूएसए आज अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि यूएसए ने 19 सालों में क्या हासिल किया, इतने ट्रूप्स इसके मरे, इतना नुकसान अफगानिस्तान को झेलना पड़ा। तो यहाँ पे सवाल जो ये उठा, इसका जवाब यही है कि कुछ भी नहीं। तालिबान आज वहीं है जहाँ पे पहले था। तालिबान आज अफगानिस्तान की टेरिटरी का आधा एरिया इसके कंट्रोल में है। यूएसए अफगानिस्तान से बाहर हो रहा है विद अश्योरेंसेज फ्रॉम तालिबान दैट इंसर्जेंट्स विल नॉट अलाउ अफगान सॉइल टू बी यूज्ड बाय ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स सच एज अलकायदा। तालिबान से अश्योरेंस ली है ट्रंप ने कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी ट्रांसनेशनल, अपने देश के बाहर जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि अलकायदा, उनके साथ इंगेज नहीं करोगे, उनके साथ नहीं जुड़ोगे, ना आप वोयलेंट बनोगे। आप सीधी सीधी जो काबुल जो सरकार है, जो अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट घानी की जो सरकार है, उनके साथ बात करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और पावर शेयरिंग करोगे। किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ आप नहीं जुड़ोगे, ये चीज़ इस डील में है। और इसके साथ तालिबान को क्या मिलेगा कि यूएसए के सैनिक बाहर हो जाएंगे, ट्रुप्स बाहर निकल जाएंगे। यूएसए क्यों चाहता है कि इसके ट्रुप्स बाहर निकल जाएं? अगर यही चाहता था कि निकल जाए बिना सक्सेस हासिल किए, तो फिर लेके क्यों आया? यूएसए को एहसास हुआ, खास करके ट्रंप ने अपने इलेक्शन में वादा किया था, क्योंकि $2 ट्रिलियन का अब तक इसको अफगान वार में नुकसान हो चुका है, कॉस्ट आ चुकी है। 3500 अमेरिकन और जो कोएलिशन जो सोल्जर्स हैं, यानी कि जो नाटो वगैरह के जो और कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स अमेरिका के सोल्जर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे, मारे जा चुके। इसका नुकसान अमेरिका उठा रहा है और तालिबान कंट्रोल में फिर भी नहीं आ रहा। ट्रंप को ये बात समझ में आई, इलेक्शन में उन्होंने वादा किया, और सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस डील का यही है कि वो अपने सैनिकों को बाहर निकालना चाहते हैं। दूसरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे। अफगानिस्तान में सैनिक ही नहीं, ट्रुप्स ही नहीं, बल्कि हजारों सिविलियंस और सोल्जर्स मारे गए। इसके बावजूद भी तालिबान आज बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा है। आधी, हाफ ऑफ द कंट्री में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, हाफ ऑफ द कंट्री में तालिबान का कंट्रोल है, और तालिबान चाहता है कि एक बार अब ये डील हो गई, सब कुछ हो गया, अब जैसे सैनिक बाहर निकले, ट्रुप्स बाहर निकले, ये अपना जो ओल्ड टेरिटरी है उसको कंट्रोल में ले लेंगे। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप ने, दोनों ने बहुत कोशिशें की कि इस वार को शांत किया जाए, तालिबान को हराया जाए, एडिशनल ट्रूप्स भी भेजे गए, लेकिन कुछ भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं निकला। तो एक ही रास्ता बचा कि अब अफगानिस्तान से बाहर निकलना ही सही है। बाहर जब ये निकल रहे हैं तो यूएसए के लिए खुशी की बात है, तालिबान के लिए खुशी की बात है, क्योंकि यूएसए ट्रंप अपने जाके कह सकते हैं लोगों को कि हम अपने ट्रुप्स बाहर निकलवा के लाए हैं। तालिबान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अब फॉरेन ट्रुप्स उसकी टेरिटरी में नहीं है जो अब तक उसको रोके हुए थे। तो द प्रॉब्लम इज़ विद द वे इट इज़ गेटिंग आउट।
बाहर तो निकल रहा है लेकिन जिस तरीके से निकल रहा है प्रॉब्लम उसमें, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें यूएसए ने सीधे सीधे तालिबान से बात की है। ये देखा है नहीं कि अफगानिस्तान सरकार इस पर क्या कह रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है। अब यूएसए ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर यूएसए अफगानिस्तान गवर्नमेंट को एग्रीमेंट में लाता है तो ये तालिबान बाहर निकल जाता है। तालिबान ऐसा कहता है कि हम मानते ही नहीं हमारी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, कि हमारे रूलर्स भी हैं। तो तालिबान को खूब कोशिशें की थी लाने की अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ, और यूएसए तीनों ने मिलकर जो कोशिशें की, लेकिन तालिबान आता ही नहीं, कहता कि हम सीधे सीधे यूएस से बात करेंगे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट हमारी रूलर नहीं है, उसको क्यों ला रहे हो बीच में। तो ठीक है, तालिबान की डिमांड मानी और यूएसए ने इनको गवर्नमेंट को साइड में रख के तालिबान से डील की, तालिबान से एग्रीमेंट किया। तो इससे प्रश्न जो है वहाँ की सरकार पर उठ जाता है कि आखिर यूएसए ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया। दूसरी बात, अंडर एस्टिमेट किया। यूएस ने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट में ढील छोड़ी है तालिबान के प्रति, मतलब सीज फायर भी नहीं करवाने की सोची, केवल 7 दिन का ये देखा था टेस्ट कि 7 दिन अगर हम रुक रहे हैं, 7 दिन के अंदर अंदर अगर वॉयलेंस शांत होती है तो डील हम कर देंगे, और वॉयलेंस नहीं हुई, रिडक्शन हुआ डील। अब ये भी नहीं कितनी रिडक्शन होनी चाहिए वॉयलेंस में, ये भी नहीं देखा गया, केवल एक फॉर्मेलिटी थी, डील हो गई। डील होने के बाद डील में ना कोई सीज फायर की बात थी, केवल ये था कि आप किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ इंगेज नहीं करोगे। यूएस ने अभी अफगानिस्तान में अपने 14,000 ट्रुप्स रख रखे हैं, एक एक करके निकालता जाएगा। तालिबान ने अश्योरेंस दी है कि वो और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ लिंक तोड़ देगा और सीधी सीधी काबुल सरकार के साथ बात करेगा। पर तालिबान जिसका इतिहास ही ऐसा रहा है, जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉस के लिए जाना जाता है, जो वुमेन को पब्लिक लाइफ में नहीं आना देना चाहता, जो स्कूल्स बंद करवा देना चाहता है, जो रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसने कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि अफगानिस्तान के संविधान को मानेगा या सिविल लिबर्टीज़ को रेस्पेक्ट करेगा। उसने केवल एक प्रॉमिस माना है कि वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ इंगेज नहीं करेगा, चाहे वो अलकायदा हो चाहे वो कोई सा भी हो। और इसी डील, इसी चीज़ को जो है तालिबान ने माना है। बाकी अब देखो इंडिया, देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सिविल लिबर्टी की। इंडिया शुरू से कहता आ रहा है कि तालिबान को यहाँ पे बिल्कुल भी एक इंच भी नहीं देना चाहिए एरिया का, हम केवल अफगानिस्तान गवर्नमेंट को मानते हैं और वही सही रूलर्स हैं राज करने के लिए अफगानिस्तान में। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, तालिबान मजबूत होता गया, तो इंडिया को अपनी बात से थोड़ा पीछे हटना पड़ा, क्योंकि बेसिकली तालिबान को हम अपोज इसलिए करते थे क्योंकि तालिबान एक अपने आप में जो है आपको पता है कैसा ग्रुप है, मतलब स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज हैं, कई मौतें हैं, कई वॉयलेंस इसने अपना, कई टेररिस्ट ग्रुप के साथ इसका लिंक जुड़ा हुआ है, और पब्लिक लाइफ में वुमेन मतलब बिल्कुल जो है हालत ख़राब कर रखी है अपने इन लोगों की, और बहुत ही जो है ये ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ये माइनॉरिटीज़ के साथ करता है। और अगर इसको पावर में आ जाएगी, अगर इसको पावर मिल जाए तो और भी ख़तरनाक काम हो सकता है। तो इंडिया इसके चलते अफगानिस्तान सरकार को मानता था, इसको नहीं मानता था, लेकिन अब तालिबान को मानने लग गया क्योंकि तालिबान की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इंडिया ये कह रहा है कि ठीक है तालिबान पावर में है लेकिन सिविल लिबर्टीज़ का ध्यान रखें। इंडिया हमेशा से ये कहता रहा था सिविल लिबर्टीज़ का ध्यान रखो, अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को मानो, सिविल लिबर्टीज़ का ध्यान रखो। अगर तालिबान इसको मान रहा है तो तालिबान को इंडिया सपोर्ट कर देगा। डील हुई, डील में अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो छोड़ो, सिविल लिबर्टीज़ की बात भी नहीं थी, लॉज कानून कायदे कि बस केवल टेररिस्ट ग्रुप के साथ इंगेज नहीं करोगे, सीज फायर तक नहीं था कि शांति युद्ध जो है शांति ये में जो है विराम युद्ध विराम घोषित होएगा, कुछ भी नहीं था, केवल टेररिस्ट ग्रुप के साथ लिंक नहीं करोगे और अफगानिस्तान सरकार के साथ बात करोगे, तालिबान को केवल ये चीज़ करनी है। और तालिबान को बदले में क्या मिल रहा है, फॉरेन ट्रुप्स यहाँ से निकल जाएंगे, और फॉरेन ट्रुप्स इसके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसकी वजह से ये अभी तक आधा टेरिटरी कंट्रोल करके रखा था, वरना अब तक तो पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल में कर लेता। काबुल की सरकार अब तक यूएसए की ट्रुप्स की वजह से टिकी हुई थी क्योंकि इसके पास जो लड़ाके हैं, जो ट्रुप्स हैं, वो इतने प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। तो बैटल फील्ड हो चाहे वो नेगोशिएशन टेबल पे हो, दोनों पे काबुल सरकार कमज़ोर पड़ती दिखाई देगी। और अगर सरकार कमज़ोर हो गई तो, और सरकार अगर तालिबान से बात करना शुरू कर दी तो यहाँ पे और भी जो है आपको इंसर्जेंसी देखने को मिल सकती है। यूएस की बहुत इच्छा थी कि अफगान वार से हम बाहर निकल जाए क्योंकि यूएसए में जाके ट्रंप को बताना है कि हमने ऐसा कर दिया, और प्रैक्टिकली काबुल गवर्नमेंट को इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया।
अफगान जो मिलियंस ऑफ लोग अफगान में रह रहे हैं, जो बेकसूर हैं, जो तालिबान को मानते ही नहीं है और चाहते ही नहीं तालिबान राज करे, उनको ऐसे छोड़ के जा रहे हैं इनके ट्रुप्स। 19 साल लड़े, 19 साल में कुछ भी फायदा नहीं किया और छोड़ के जा रहे हैं। अभी मिलियंस ऑफ अफगान्स हैं ये जो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, तालिबान के वॉयलेंट और ट्राइबल इस्लामिज्म को, इनको केवल उन इंसर्जेंट्स के भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। ये अफगानिस्तान पे एक आर्टिकल था, एक आर्टिकल एक और है तो उसके साथ मिलके जो है हम पढ़ लेते हैं। अ डील दैट इंक्रीजेस अनसर्टिनिटी। अब देखो मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए, मेंस जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आंसर लिखना। मेंस में अगर पूछ ले कि यूएस और तालिबान दोनों के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। अगर पूछ ले इंडिया के क्या कंसर्न है तो देखो इंडिया के क्या कंसर्न है, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है काफ़ी आर्टिकल्स में आ चुकी है। देखो इंडिया के क्या कंसर्न है, देखो इंडिया के क्या कंसर्न है, पहली बात तो अगर तालिबान का अगर ज़्यादा कंट्रोल बढ़ता चला गया, तालिबान अगर पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल करता चला गया तो अफगानिस्तान की सरकार कमज़ोर पड़ जाएगी और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इंडिया के साथ अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। प्रेसिडेंट जो घानी की जो सरकार है उसके साथ इंडिया का अच्छा नाता है तो अफगानिस्तान पर कंट्रोल कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है, दोनों बहुत जो है रिश्ते रखते हैं अच्छे, तो तालिबान का पाकिस्तान के साथ अगर जुड़ गया अच्छे से और अगर कंट्रोल बढ़ गया तो पाकिस्तान का कंट्रोल अफगानिस्तान पे बढ़ जाएगा मोर देन इंडिया। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तालिबान और पाकिस्तान मिलके कश्मीर में और हमारे बॉर्डर एरियाज में इंसर्जेंसी फैला सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी अगर ये डायरेक्टली नहीं भी फैलाए तो हमारे जो कश्मीर के जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि जब अफगान के लोग मिलके यूएसए को बाहर निकाल सकते हैं, यूएसए के प्रॉपरली जो इक्विप जो ट्रेन जो ट्रूप्स हैं उनसे लड़ सकते हैं, यूएसए को मजबूर कर सकते हैं कि वो आखिर निकल जाए 20 साल की लड़ाई के बाद, तो भारत की सरकार को और भारत के जो ट्रूप्स हैं जो हमारे जवान हैं उनसे क्यों नहीं लड़ सकते, ये उनके दिमाग में चले जाएगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये प्रॉब्लम है। पाँच सबसे और एक जो लास्ट जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ, एशिया में, सेंट्रल एशिया में अगर मैं बात करूँ, देखो चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सारी जो डिप्लोमेटिक ये जो पूरी ये जो राइवलरी चल रही है, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें इन्फ्लुएंस इन तीनों का काफ़ी ज़्यादा था। तीनों ने मिलके ग्रुप भी बनाया था जिसमें इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया था, जबकि इंडिया का बहुत ज़्यादा पैसा अफगानिस्तान में लगा है। हमने अफगानिस्तान में स्टेबल सरकार चाही है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हमने इन्वेस्ट किए हैं, कई सारी बिल्डिंग्स हमने बना के दिए हैं और अफगानिस्तान के लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं। ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो सिविलियंस हैं, तालिबान के तो अच्छे रिश्ते हैं लेकिन जो सिविलियंस हैं जो तालिबान से भी नफरत करते हैं और पाकिस्तान से भी नफरत करते हैं। इसका मैं एक उदाहरण आपको दूँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी लोग खुद को इंडियन बता के जाते हैं ताकि वहाँ पे उनको इज्जत से देखा जाए, इतना वहाँ पे ज़्यादा हमारी इज्जत है। तो हमारा एक बार तालिबान के साथ पाकिस्तान जुड़ गया और पाकिस्तान के साथ चाइना बहुत अच्छा दोस्त है ही, तो एशिया में अपना डोमिनेंस कम हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या है, मेंस में पूछ लें तो कह देना। पहला तो एक तो मिलिट्री वाइज, मतलब एक आपका जो मिलिट्री वाइज आपका क्या सोल्यूशन है कि अपने बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी टाइटन कर सकते हैं, जितनी हो सके उतनी कर सकते हैं, जितनी करो उतनी कम है। दूसरी बात, इस मिलिट्री का एक लिमिट है, ठीक है। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमेसी अपना सकते हो, पाकिस्तान के साथ डायलॉग रिस्टोर करो, सार्क को जो है रीएनर्जाइज करो और कोशिश ये करो कि तालिबान के साथ भी आपका डायलॉग बना रहे, क्योंकि तालिबान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस में आने वाला है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो भारत सरकार कर सकती हैं और बाकी तो जो अनसर्टेनिटी है वो कुछ भी हो सकती है। तो मेंस के लिए मैंने आपको आंसर बता दिया। वायरल इकोनॉमीज, कोरोना वायरस, देखो ग्लोबल इकोनॉमी जो है बहुत खतरनाक तरीके से गुजर रही है और कोरोना, देखो पहले ही स्लो डाउन हो रहा था ट्रेड वार के चक्कर में, अब कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस नाइजीरिया और न्यूजीलैंड में फैल चुका है। द वायरस हैज क्रिपल्ड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, हिट एयर ट्रैवल एंड कन्वल्स्ड मार्केट्स। ग्लोबल सप्लाई चेन को हिट किया है, एयर ट्रैवल रुक चुका है, एयरलाइंस
रुक चुकी हैं और मार्केट्स कन्वल्स हो चुके हैं, गिर चुके हैं, मार्केट्स जो हैं हिल डुल चुके हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। स्टॉक मार्केट जगह जगह गिर रहे हैं, मैंने अभी पढ़ा था न्यूज़ में करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान जो है दुनिया भर में हुआ है, और यूएस की इकोनॉमी को एडवर्सली इंपैक्ट कर रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी को तो ऑफकोर्स करेंगे ही, और यूएस और चाइना अगर इफेक्ट हो गए जो कि सुपर पावर्स हैं दुनिया की, तो फिर तो जो है ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन रुकना ही है। दिस व्हेन द चाइनीज इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन डीप ट्रबल ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ वायरस, और ये सब कुछ जब हो रहा है जब वायरस की वजह से चाइनीज इकोनॉमी ऑलरेडी ट्रबल में, स्लो डाउन और रोट्स रिसेशन, या तो स्लो डाउन हो सकता है उससे बड़ा रिसेशन भी जो है हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में, और जो दो ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन है चाइना और यू एस है, ये दोनों के लिए बहुत खराब न्यूज़ है, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी खराब न्यूज़ है, क्योंकि इन ऐसा कहते हैं ना कि यू एस ए छींकता है तो इंडिया को जुकाम हो जाती है, वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चिंताएं स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टर्स की, क्योंकि स्टॉक गिर चुके हैं, यूएस के मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक देखा जा रहा है, वैल्यूज़ गिर रही हैं और इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे, गोल्ड की प्राइसेस भी गिर रही है, और जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास अब लोगों का जाग रहा है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो सॉवरेन होते हैं भाई। गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड क्या होते हैं, मैंने बॉन्ड इशू कर दिया, मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपये चाहिए, ये बॉन्ड ले लो, बॉन्ड मुझे लौटा देना एक साल बाद, मैं आपको 10 लाख का ब्याज दे दूंगा, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो सॉवरेन है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं भी होंगे अगर मान लो तो कहीं ना कहीं से लाके दे देगी, गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे अब ट्रस्ट बढ़ चुका है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी रिसेशन में है, प्राइवेट स्टॉक्स पे, प्राइवेट बॉन्ड्स पे अब इतना भरोसा नहीं दिया जा सकता। यूएस की इकोनॉमी ट्रबल में, बड़ी बड़ी कंपनीज अब ट्रबल में, चाइना की जो फर्म्स हैं वो ट्रबल में, और ये क्राइसिस कभी देखा नहीं गया, क्योंकि ये क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस ये नहीं है जिसमें आप रेट कट कर सकते थे, बेल आउट कर सकते थे, इस ये वायरस पूरी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, और फाइनेंशियल सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो इस वायरस को नहीं रोक पाएगा। लिंक समझ रहे हो, लिंक समझ रहे हो, ये कोरोना वायरस का जो ये वायरस का जो अटैक है ये रेट कट से फाइनेंशियल सिस्टम का सोल्यूशन सोल्व नहीं कर सकता, वायरस को रोकना ही पड़ेगा तब जाके हो सकता है कुछ। इंडिया के लिए बहुत सारी ट्रबल्स हैं, इंडिया में 45 ईयर की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है, जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7% आई है हाल ही में, 7 साल में सबसे कम, ये सब कुछ हो ही रहा था, हमने सोचा कि चलो आज नहीं कल नहीं परसों ग्रोथ बढ़ेगी, 1 साल बाद 2 साल बाद ग्रोथ बढ़ेगी, ये हो ही रहा था, हमने आशा लगा के बैठे ही थे कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट दिखा और वर्ल्ड इकोनॉमी डूबने की कगार पर नज़र आ रही है, और अब डोमेस्टिक इकोनॉमी पर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी भाई। हमारे जो मेडिकल डिवाइसेज हैं, हम जो मेडिकल इंडस्ट्री है हमारी, फार्माट्यूटिकल्स है, उसका 80% रॉ मटेरियल चाइना से आता है, चाइना में अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है तो हमारे यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी कमी आ जाएंगी, और ये सप्लाई चेन डिसरप्शन तो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे ना, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे, इंडिया की इकोनॉमी को आगे कौन चलाता है, एक्सपोर्ट्स चलाते हैं, तो एक्सपोर्ट जो है अगर नहीं चलेंगे तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक इंजन और स्लो डाउन हो जाएगा। यूएसए, चाइना, इंडिया अगर दोनों अगर इकोनॉमिक, ये तीनों जो इकोनॉमिक इंजन है अगर ये स्लो डाउन हो गए तो पूरी दुनिया पे 100% इफेक्ट आएगा ही, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इंडिया में। एक चीज़ जो यहाँ पे आशा की नज़र, एक चीज़ जो यहाँ पे थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं ठीक है, अच्छी सी नज़र आ रही है, वो ये है कि फ़ायदा अगर मैं बोलूं, ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का जितना पार्टिसिपेशन है उतना इंडियन कंपनीज़ का नहीं है, तो इंडियन कंपनीज़ का इतना नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि चाइना में अभी ऑयल सप्लाई रोक दी है, ऑयल डिमांड रोक दी है, तो मिडल ईस्ट से जो ऑयल आ रहा है, क्रूड ऑयल जो आ रहा है, वो अब देखो सप्लाई रुकी, डिमांड रुकी, तो प्राइसेस भी घटी। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर गिरेंगी तो पेट्रोल की प्राइसेस और जो ऑयल की प्राइसेस है वो कम होंगी, और हमारे यहाँ पे महंगाई कम होगी, हमारे देश में पहले ही महंगाई हो रही है, तो मैक्रो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दो ये चीज़ अच्छी बात है, हालांकि नेगेटिव्स पॉजिटिव से ज़्यादा है, तो हमको गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को ढंग से देखना पड़ेगा और जितना हो सके इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, खास करके उन इंडस्ट्रीज़ को जो कि चाइनीज़ इनपुट्स पर डिपेंड है, जैसे फार्माट्यूटिकल्स हो गए, आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, जो चाइना से माल आता है ना, रॉ मटेरियल, वो रुक जाएगा, और जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल पे डिपेंड है खास करके चाइना से, उन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
विद अ ट्रिबल इंडिपेंडेंस। देखो ये वाला जो आर्टिकल है ना ऊपर वाला, ये बेसिकली जो हिस्ट्री पे और पॉलिटिक्स पे थोड़ा, अब मुझे इस पे लगा नहीं कि कुछ जो है खास हो सकता है समझाने वाला मेंस के लिए। ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल देखो इसमें बात हो रही है ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस को क्या कम किया जा रहा है, विद अ ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस, ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस को कम किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब ट्रिब्यूनल जो है स्पेशल मैटर। देखो कोर्ट के पास पहले ही बर्डन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास बहुत सारे बर्डन्स हैं केसेस पे केसेस। हाई कोर्ट्स टोटल जो हमारे देश में है उन पे करोड़ों केसेस हैं, 2 या 3 करोड़ जहाँ तक मुझे पता है केसेस हाई, पूरे हाई कोर्ट्स पे बर्डन है। इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं कि टैक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, पानी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल किसी स्पेशल इशू से रिलेटेड जो केस आ रहे हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो ट्रिब्यूनल जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, ये भी एक प्रश्न है। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो बॉडी होती है जिसको, जो अपने अलग से कानून नहीं बना सकती, जिसको अपने अंदर जो कानून बने हुए एग्जिस्टिंग उन पर काम करना होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट नए लॉ भी बना सकता है, नए राइट्स भी बना सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठ रहा है आर्टिकल में कि हाल ही में कोशिश की गई सरकार के द्वारा कि ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस, ट्रिब्यूनल की जो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की जो इन्फ्लुएंस है ट्रिब्यूनल पे वो कम की जाए। कैसे? देखो ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल जो बॉडी है बेसिकली इनमें जो है जजेस होते हैं, ठीक है, रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो कि केसेस डिसाइड करते हैं। मैं और ट्रिब्यूनल में आपके सिविल सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मेंबर्स कौन चूज़ करेगा। भाई मैं अगर सरकार में हूँ, मेरे पास मान लो मेरे सरकार के ऊपर खुद के ऊपर टैक्स के लाखों केसेस चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल मैंने बना दिया जुडिशरी के कहने पे, और ट्रिब्यूनल अगर मैं बना रहा हूँ उसमें अगर मान लो मैं मेरे ही मेंबर लगा दूँ, सरकार खुद के ही अगर आदमी लगा दे, तो मेरी तरफ सारा केसेस सॉल्व हो जाएंगे ना, मेरे फेवर में होंगे, तो जो ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस जरूरी है। तो इसके लिए जुडिशरी यहाँ पे कुछ जजेस का जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स डिसाइड करती हैं कि ट्रिब्यूनल में कौन कौन रहेगा, उसकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें सरकार के भी लोग होते हैं और जुडिशरी के भी लोग होते हैं, इसलिए कमेटी जरूरी है। वरना सरकार अगर अपनी मर्जी से ट्रिब्यूनल बनाएगी, अपनी मर्जी से मेंबर रख देगी, तो सारे केसेस इसके फेवर में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोजर मैथ्यू वाला केस था, इसमें ट्रिब्यूनल, अपेलेट ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटीज रूल्स 2017 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, क्योंकि इस रूल के अंतर्गत ट्रिब्यूनल की सारा इंडिपेंडेंस खत्म किया जा रहा था और जुडिशरी का जो कंट्रोल था इन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर वो खत्म होता जा रहा था। मद्रास बार एसोसिएशन 2010 में जो केस हुआ था उसमें भी ऐसे डिसीजन आए थे जो रोजर मैथ्यू में आए, दोनों में ये कहा गया कि ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस बनी रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम से कम हो। कोर्ट ने अब तक जो भी डिसीजंस लिए हैं उनके आधार पर ही केंद्र सरकार कानून लाए, अलग से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून ना लाए। ये केस देखो मद्रास बार एसोसिएशन का 2010 में हुआ था, रोजर मैथ्यू वाला अभी 2019 वाला केस है। दोनों ने मिलके कोशिशें की कि केंद्र सरकार की पावर ट्रिब्यूनल के मेंबर्स डिसाइड करने में कम से कम हो। हमें लगा, लोगों को लगा कि अब सरकार को फटकार लगा दी कोर्ट ने तो सरकार सुधर जाएगी। सरकार ने 2019 वाले केस के बाद से वापस ये रूल्स लागू किए जिसको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिए थे। वो रूल्स वापस आए तो लोगों को लगा चलो सरकार सुधर गई, लेकिन इन रूल्स में वही दिक्कतें सामने आ रही हैं। क्यों? देखो जैसे एक एग्जांपल है कि फाइनेंस एक्ट 2017 में एक जो कानून है उनको अमेंड किया गया और उसमें जो 19 ट्रिब्यूनल्स थे उनके मेंबर्स की एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, रिमूवल, सैलरीज, टेन्योर सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे दी गई। सिलेक्शन कमेटी जो थी, देखो एक तो ये एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, रिमूवल, टेन्योर, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में गई। अच्छा मेंबर्स कौन कौन होंगे ये भी डिसाइड करना था। तो सिलेक्शन, टेन्योर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले गई, मेंबर्स कौन कौन होंगे इसके लिए कमेटी थी,
कमिटी में जजेस भी होते और सरकार के आदमी भी होते। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इस सिलेक्शन कमेटी में जजेस को कम रखा गया और सरकार ने अपने आदमी रख दिए, जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल के मेंबर्स, वाइस चेयरमैन का और चेयरमैन का सिलेक्शन केंद्र सरकार के हाथों में पहुंच गया था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मद्रास बार एसोसिएशन 2010 वाला केस था, इन्होंने कहा था कि कोर्ट को यहाँ पे कहा था कि केंद्र सरकार ने 3 साल का जो एक्सपीरियंस डिसाइड कर रखा है ट्रिब्यूनल के मेंबर्स के लिए कि 3 साल तक ही रहेंगे, ये गलत है, टेन्योर बढ़ाओ ताकि जब तक उन लोगों को एक्सपीरियंस होए तब तक तो आप रिटायर कर दोगे 3 साल के अंदर। भाई, जो जजेस को एक्सपीरियंस हुआ, 3 साल उन्होंने ट्रिब्यूनल में काम किया, 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, फिर वो रिटायर, ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम 7 साल 10 साल का रखो ताकि एक्सपीरियंस होने के बाद वो ट्रिब्यूनल को अपना एक्सपीरियंस जो है उसके मदद कर पाए। अब मैं आपको बहुत 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 संक्षेप में बता रहा हूँ, 2017 वाले जो रूल्स थे, कोर्ट ने कहा था रोजर मैथ्यू वाले केस में कि इसमें क्या हुआ, जो सिलेक्शन जो कमेटी थी, मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल के लास्ट में मेंस में कैसे लिखना है, सिलेक्शन जो कमेटी थी उसमें क्या था कि जो मेंबर्स थे, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे NCLT सिलेक्शन कमेटी की बात कर लो, जिसमें 2 जजेस थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 सेक्रेटरी थे। ये सिलेक्शन कमेटी है जो इस ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल की मेंबर्स डिसाइड करती है कौन कौन मेंबर्स होंगे। तो ये सिलेक्शन कमेटी, इसमें 2 जजेस थे और 2 सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और दोनों जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, तो दोनों गवर्नमेंट के फेवर में ही ऐसे आदमी चुनेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में काम करें, है ना। और 2 जजेस थे वो इंडिपेंडेंटली काम करने की जो है यहाँ पे चाहत रखते थे। तो हुआ क्या कि सिलेक्शन कमेटी में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन NCLT कमेटी में तो ऐसा किया गया, बाकी और जो कमिटीज़ थी, बाकी और जो ट्रिब्यूनल की कमिटीज़ थी उनमें भी ऐसा होना चाहिए था कि 2 जजेस और 2 सेक्रेटरी, ताकि 2 सेक्रेटरी अगर अपने मनपसंद का आदमी ले रहे हैं तो जजेस जो हैं वो सवाल उठा सकते हैं कि ये आदमी आप क्यों ले रहे हो, और आप जजेस जो हैं वो, अब 2 जजेस और 2 जजेस और 2 सरकार के आदमी, तो सरकार का जो पक्ष है वो इतना बड़ा नहीं होगा। तो ये चीज़ NCLT में तो फिर भी खुशी की बात थी, लेकिन और सारे ट्रिब्यूनल जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें क्या था, 1 जज थे और 3 सेक्रेटरी थे। तो 3 सेक्रेटरी अपने मन, अब देखो सिलेक्शन कमेटी में डिसीजन कैसे आता है, मेंबर को चूज़ किया, वोट हुआ तो मेजोरिटी क्या आई, मान लो 3 सेक्रेटरी ने अपने मनपसंद का आदमी ले लिया सरकार के हिसाब से, उन्होंने कह दिया ये आदमी चुनेंगे, और 1 जज ने जो है विरोध करने शुरू कर दिया, तो क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, 3 सेक्रेटरी की। अब अगर मान लो 2 जजेस होते और 2 सेक्रेटरी होते तो 2 जजेस अपना सवाल उठा सकते थे और वो केस वही टाई हो जाता, यानी उन मेंबर्स को नहीं चुन सकते थे, है ना। तो NCLT कमेटी में तो फिर भी 2 जजेस और 2 सेक्रेटरी रखे गए, लेकिन बाकी जो कमेटीज थी उसमें 1 जज और 3 सेक्रेटरी रखे गए। तो इसका मतलब ये जो रूल्स आए थे 2020 वाले, इसमें बेसिकली, अच्छा ये पहले वाले रूल्स थे जिसको रोजर मैथ्यू ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, पहले वाले रूल्स थे। अब रोजर मैथ्यू वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सरकार को बुद्धि आई, सरकार ने 2020 में नए रूल्स लाए, तो 1 जज और 3 सेक्रेटरी वाली जो चीज़ थी बाकी ट्रिब्यूनल्स में, उनमें चेंजेस करके 1 जज, 2 सेक्रेटरी और 1 सेक्रेटरी की जगह ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन ला दिया इन्होंने, यानी 1 जज रहे, 2 सेक्रेटरी रहे और जो 4th मेंबर था वो ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन था। अब यहाँ पे सवाल, अब फिर जो आप सोचोगे कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई जब सरकार की तरफ से 2 ही आदमी आए, 1 जज हो गया, 1 ट्रिब्यूनल का चेयरमैन हो गया। देखो बात यह है कि ट्रिब्यूनल का चेयरमैन भी सरकार का आदमी हो सकता है, हो सकता है वो भी सरकार के पक्ष में जो है यहाँ पे काम करें। तो मद्रास बार एसोसिएशन रोजर मैथ्यू ने कहा कि जुडिशरी को भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल के मेंबर्स चुनने का अधिकार होना चाहिए, और सरकार अगर अपने ही आदमी ट्रिब्यूनल्स में चुनेगी अपने ही केसेस लड़ने के लिए तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस यहाँ पे 4 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होने चाहिए, 4 मेंबर जो सिलेक्शन कमेटी उसमें 2 जजेस होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1 जज हो, 2 जजेस होने ही चाहिए। और फिर आप देख सकते हैं लेकिन रूल्स में किस तरीके से जो है इन कानूनों का वोलेशन किया गया। तो बेसिकली क्या था इस, मैं आपको बताऊं, अब इस आर्टिकल का मैं आपको सेंस बताता हूं। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस किस तरीके से जो है विदर की जा रही है, क्या सवाल जो उठ रहे हैं,
तो उसमें आपको दो केसेस याद रखने, रोजर मैथ्यू वाला 2019 वाला और आपका मद्रास बार जो एसोसिएशन जो आपके 2010 वाले केसेस थे, उनमें बेसिकली कोर्ट ने यही कहा कि एक्सपीरियंस जो है वो ट्रिब्यूनल का ज़्यादा होना चाहिए, ट्रिब्यूनल के मेंबर्स का, और एटलीस्ट 2 जजेस 4 मेंबर सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए। मद्रास बार एसोसिएशन में कहा गया, इस चीज़ को रिपीट किया गया रोजर मैथ्यू वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन वाली रूलिंग को ही वापस जो है रिपीट किया। तो 4 मेंबर सिलेक्शन कमेटी में 2 मेंबर जो है जज होने चाहिए और एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए, 3 साल नहीं होना चाहिए जो सरकार ने सेट कर रखा था। ये केसेस आपको नाम याद रखने हैं कभी ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस की बात आ जाए। अब ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस किस तरीके से कम की जा रही है, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स में आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, जैसे सरकार जो है वो सिलेक्शन कमेटी में अपने मेंबर्स रख रही है, सरकार जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जो एडवोकेट अगर कोई मेंबर बनना चाहता है ट्रिब्यूनल का, कोई एडवोकेट कोई वकील, तो उसको 25 साल का एक्सपीरियंस हो। कोई एडवोकेट 25 साल का एक्सपीरियंस लेके ट्रिब्यूनल में क्यों जाएगा, वो भी 3 साल के लिए, है ना। तो एडवोकेट यहाँ पे सरकार चाहती नहीं है, सिलेक्शन कमिटीज़ में जजेस का पार्टिसिपेशन चाहती नहीं है सरकार। हालांकि सरकार ने इंडियन जो लीगल सर्विसेज हैं, जो कि एक तरीके से सिविल सर्वेंट्स हैं, इंडियन लीगल सर्विसेज, उनके मेंबर्स को अलाउ कर रही है। तो सरकार इन तरीकों से ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रही है, सिलेक्शन कमिटी में जजेस को नहीं रख के इफेक्ट कर रही है। और यहाँ पे कोर्ट इन केसेस के जरिए बार बार ये कहते जा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल की सिलेक्शन कमेटी में इतना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता क्योंकि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ केसेस हैं। भाई सरकार के खिलाफ जो केसेस चल रहे ट्रिब्यूनल में, और सरकार के ही आदमी क्यों फिर वो रूलिंग करेंगे। ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स हों उनको चूज़ करने में जुडिशरी के भी तो हक होना चाहिए ना। तो ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस यहाँ पे कोर्ट इस तरीके से बनाए रख रहा है और सरकार जो है इस तरीके से इंडिपेंडेंस पे प्रहार कर रही है। तो 2 केसेस के नाम आपको याद रखने हैं। नो कंट्री फॉर प्रोटेस्टर्स, बेसिकली इस आर्टिकल में जो है बात हो रही है कि देखो प्रोटेस्ट की बात हो रही है। अभी पता है दिल्ली हिंसा हुई, दिल्ली में जो है दंगे हुए, 40 लोगों की जाने गई, 40 लोगों से ज़्यादा जाने गई। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट 2 तरीके के होते हैं, गुड प्रोटेस्ट और बैड प्रोटेस्ट। गुड प्रोटेस्ट मतलब जो नॉन वायलेंट है, और बैड प्रोटेस्ट मतलब जो वायलेंट, जो हिंसा कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है वो मेजोरिटी के द्वारा चुनी गई है और प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं, माइनॉरिटी। तो राइटर कह रहे हैं कि सरकार जो है वो मेजॉरिटी का ख्याल रखते हुए मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे इतना ध्यान नहीं दे रही, पहला आरोप। दूसरा आरोप कि माइनॉरिटी को वॉयलेंट बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दंगे हुए और बस में आग लगाई गई कथित रूप से स्टूडेंट्स के द्वारा, और जिसकी वीडियोज़ भी आईं, तो उसमें पूरे प्रोटेस्टर्स को, प्रोटेस्ट को बदनाम किया गया, कुछ लोगों ने हिंसा की और पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम किया गया कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट वॉयलेंट हो रहे हैं। इससे सरकार को क्या फ़ायदा। इतिहास में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे राइटर भी यही कह रहे हैं कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश वो क्या चाहते थे, जब भी हम प्रोटेस्ट करते थे भारतीय हैं, वो ये चाहते थे कि हम वॉयलेंट हो जाएं, क्योंकि वॉयलेंट क्राउड को गवर्नमेंट के लिए संभालना 2 मिनट की बात है अगर चाहे तो। दिल्ली हिंसा जो हुई उसमें इतने दिनों तक ये चला, उसके ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं कि सरकार ने कंट्रोल क्यों नहीं किया। लेकिन मैं नॉर्मली अगर आपको बात बताऊं, जैसे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, DU में जो कंट्रोल किया गया हिंसा को, वैसे सरकार वॉयलेंट प्रोटेस्ट को 2 मिनट के अंदर अंदर कंट्रोल कर सकती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सरकार के लिए बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि सरकार का यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं होता, लोग समर्थन करते हैं उल्टा कि कम से कम वॉयलेंट प्रोटेस्ट को सरकार ने रोका। तो सरकार प्रोटेस्ट को जो है वॉयलेंट दिखाने की कोशिश करती है, और अगर नहीं भी है वॉयलेंट, मान लो अगर असलियत में है, तो सरकार के लिए फ़ायदा होता है। तो वॉयलेंट प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी कमी है। तो ब्रिटिश जो थे वो ये चाहते थे कि हम वॉयलेंट हो जाएं, गांधी जी ये चाहते थे कि नॉन वॉयलेंट ही रहें, क्योंकि नॉन वॉयलेंट शांति, पीस, जो पीसफुल जो भीड़ है, क्राउड है, उसको ब्रिटिश कभी भी हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पीसफुल है, और पीसफुल प्रोटेस्ट पर हमला करने का मतलब है बदनामी पूरी दुनिया में। और सरकार अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों पे हमला करेंगी तो हमारी सरकार की बदनामी होगी भारत में और वोट बैंक कम होएगा। तो जब भी प्रोटेस्ट कोई वॉयलेंट हो जाता है या बैड प्रोटेस्ट हो जाता है, सरकार को चांस मिल जाता है कि सरकार उस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दे
और यहाँ पे सरकार के कोई पॉलिटिकल लॉसेस भी नहीं होते। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि कभी भी जो वॉयलेंस हो वो नॉन वॉयलेंट ही रहें। हमको एक ऐसा लीडर चाहिए जो अपनी बात ढंग से सरकार के प्रति कह सके, जो माइनॉरिटी की तरफ से बात सरकार से कह सके नॉन वॉयलेंट तरीके से। तो यहाँ पे वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस का आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि अगर जो प्रोटेस्ट नॉन वॉयलेंस रहता तो अब तक सरकार इनकी बात मान जाती, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो हिंसा हुई उसकी वजह से पूरे प्रोटेस्टर्स को वॉयलेंट ठहरा दिया गया है, जो ना केवल सरकार के लिए अच्छा है बल्कि जो मेजोरिटी जो लोग हैं जो चाहते हैं कि वॉयलेंट प्रोटेस्ट ना हो उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि वॉयलेंस ना हो। अगर हमको दो आदमी वॉयलेंस करते हुए दिखेंगे तो हमको तो यही लगेगा ना कि पूरा जो प्रोटेस्ट है वही वॉयलेंट हो चुका, तो हम तो चाहते हैं कि वॉयलेंस नहीं हो, सरकार भी चाहती है वॉयलेंस नहीं हो। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं जो पीसफुली जो डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड तो दब गई ना। तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को भी सीखना चाहिए कि वो वॉयलेंस ना करें, हिंसा पे बिल्कुल भी उतारू ना हो। लीडर चाहिए उनको एक, और सरकार भी ये देखे कि पूरे प्रोटेस्टर्स को बदनाम ना करें, उनकी डिमांड जो है माने, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट सरकार में और सिटीजन्स में अभी के टाइम में सबसे कम है। गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।